न माया मिली ना ही राम, ना घर के रहे ना ही घाट के। पहले महागठबंधन ने ठुकराया, फिर बीजेपी ने बेइज्जत किया, रही सही कसर जनता ने पूरी कर दी। कभी बिहार के सियासत में तामझाम के साथ उतरे मुकेश सहनी का पॉलिटिकल करियर अब पूरी तरह चौपट दिख रहा है। महागठबंधन और एनडीए से धोखा खाने के बाद मुकेश सहनी जनता के भरोसे अपनी नाव को किनारा लगाना चाह रहे थे, लेकिन तेज गति से नाव खेमने के चक्कर में मुकेश सहनी की नाव ही डूब गई। अब कुछ चमत्कार ही उनकी नाव को बीच समुंदर से निकाल सकती है। बिहार में कुरहनी विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के पहले ही बीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पटना में अपने आवास पर घी के लड्डू बनवा रहे थे। 8 दिसंबर को मतगणना के एक दिन पहले मुकेश सहनी के आवास पर हलवाई बैठ गए थे, लेकिन गुरुवार को जब रिजल्ट आया तो उन लड्डू को खाने वाला कोई नहीं था। कुरहनी में बीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार की जमानत ही जब्त हो गई। कुरहनी में हुए विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही मुकेश सहनी की रणनीति साफ हो गई थी। बीआईपी का मकसद था बीजेपी को हराना। कुरहनी से राजद के सिटिंग मल्ला विधायक अनिल सहनी थे, उनके सजायाफ्ता होने से सीट खाली हुई थी, लेकिन मल्ला के सिटिंग सीट पर महागठबंधन ने कुशवाहा उम्मीदवार को उतार दिया। उसके बाद मैदान में उतरे मुकेश सहनी ने अपने आधार वोट यानी मल्ला जाति के किसी उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने के बजाय भूमिहार जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। दरअसल कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। उस क्षेत्र से कई दफे भूमिहार जाति के नेता विधायक चुने जा चुके हैं। भूमिहार बीजेपी के आधार वोट माने जाते हैं। जब मुकेश सहनी ने भूमिहार उम्मीदवार उतारा तो उसी वक्त तय हो गया था कि वे बीजेपी के वोट बैंक को बिगाड़ना चाहते हैं, साथ ही मल्ला और भूमिहार का गठबंधन कर विधानसभा में फिर से अपना खाता खोलना चाहते हैं। लेकिन प्रयोग फेल हो गया। भूमिहार उम्मीदवार को भूमिहारों का भी सपोर्ट नहीं मिला, वहीं मुकेश सहनी को मल्लाहों ने भी नकार दिया। दरअसल कुरहनी में लगभग 45,000 भूमिहार मतदाता है, वहीं 35,000 के करीब मल्ला। मुकेश सहनी खुद को सनम मल्ला कहते हैं। अगर मल्लाहों ने 50% भी पोलिंग किया होगा तो मुकेश सहनी को करीब 17,000 वोट आना चाहिए था, लेकिन मुकेश सहनी के उम्मीदवार को 10,000 भी वोट नहीं मिले। तो फिर मल्लाहों का वोट किसके पाले में? न माया मिली ना ही राम, ना घर के रहे ना ही घाट के। पहले महागठबंधन ने ठुकराया, फिर बीजेपी ने बेइज्जत किया, रही सही कसर जनता ने पूरी कर दी। कभी बिहार के सियासत में तामझाम के साथ उतरे मुकेश। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।